गायत्री, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस तरह मेरे मुंह पर काली पोतेगी। क्या क्या अरमान थे मेरे, तुझे पढ़ा लिखा कर मैं किसी अच्छे घर में तेरी शादी कर दूंगा। सब कुछ लुट गया। औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए होती है, न कि डब्बा लगाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे जहर दे के मार डाल। बाबा, मर गया तेरा बाबा। पहले मुझे ये तो बता, मेरी खुशियां लूटने वाला कौन है? वो पापी, किसने इस गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है? बोल, तू बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? तू नहीं बताएगी? तू नहीं बताएगी? एक बार मैं पाप किए बगैर जेल को आया हूं, अब की बार मैं जेल जाऊंगा तो अपनी बेटी का ये क्या कर रहे हो? मालिक, मालिक मैं लुट गया, मेरा सर्वनाश हो गया। मालिक, धीरे रखो नारायण, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। मालिक, गरीब के पास दौलत तो नहीं होती, सिर्फ इज्जत की चादर होती है। आज वो भी मैली हो गई, अब अपने हाथों से मेरे दुखों का अंत कर दी। पागल न बोलो नारायण, जो होना था सो हो चुका। हजूर, एक तो पाप किया इसने, उस पर अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लेती। एक बार मुझे उसका पता बता दे तो मैं उसे, उसके बाप को, उसके सारे खानदान को गाजर मूली की तरह काट कर रख। नारायण, मालिक आप ही पूछ कर देखिए, शायद आपको उसका पता बता दे। निर्लज, तेरी आंखों में अपने बाप की इज्जत न सही, अपने अन्नदाता की तो होगी। ऐसे महापुरुष जो कभी किसी के यहाँ नहीं जाते, हमारे यहाँ खुद चलकर आए हैं, इन्हें ही उस पापी का नाम बता दे, ये अपने रसूख से उससे तेरी शादी करवा देंगे। करवा देंगे ना मालिक? ताले क्यों पड़ गए तेरी जबान को, बोलती क्यों नहीं? नारायण, 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 शांति से काम, इधर आ, इधर आ। मैं जानता हूं तुम ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब चारा ही क्या है। एक काम करो, उसके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तुम गायत्री को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ। गांव क्यों मालिक, मैं तो ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूं। कैसी बातें करते हो नारायण, बच्चों से गलती हो ही जाती है। चुपके से इसे कहीं ले जाओ और देखो, इसे प्यार से रखना, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, समझे?